परामर्श में, और हम लोग इवनिंग के टाइम में लगातार गोल्ड से रिलेटेड जो अपडेट होता है सारे दिन का वो लेके आते हैं आप लोगों के लिए। तो आज 21 जनवरी 2022 का जो अपडेट है, शुक्रवार का दिन है और कारोबारी का लास्ट दिन है, यानी जो इस वीक का काम था वो आज ही लास्ट होता है। इसके बाद दो दिन सैटरडे और संडे छुट्टी रहता है। तो जो येलो मेटल हम लोग बोलते हैं जिसको गोल्ड, वो आपने देखा आज भी जो उसकी कीमतें थी वो बढ़ी हुई हैं 98 रुपीस के साथ बढ़ के 10 ग्राम प्रति 10 ग्राम बढ़ के आज वो 48,478 रुपीस पे जाके क्लोज हुआ है। और ये अगर दशमलव में समझिएगा तो 0.20% जो है ये इंक्रीज़ हुआ, और अगर आप सिल्वर की बात करते हैं तो ये 0.32% यानी 210 रुपये की गिरावट के साथ आज बंद हुआ है 65,169 रुपये प्रति किलो। तो आपने देखा ये था भाव, और आपने देखा लगातार 2 हफ्तों से जो गोल्ड था वो लगातार मतलब इंक्रीज़ होके ही बंद हुआ है, प्राइस में लगातार इसकी बढ़ोतरी हुई है। आपने देखा पिछले हफ्ते में मतलब आज का दिन मिला दीजिए तो सोने के प्राइस में 1,330 रुपये का लगभग वृद्धि हुआ है, और चांदी में भी जो है आपने देखा है वृद्धि हुआ है। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण था क्योंकि पिछले वीक में जो था अमेरिकन का जो फेडरल बैंक है, फेडरल रिजर्व बैंक, उन लोगों का मीटिंग होता है। तो मीटिंग में ये अंदेशा है, मतलब एक संकेत जिसको बोला जाए कि उनके सेविंग्स पे जो इंटरेस्ट होता है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो जब भी देखिएगा ऐसी स्थिति होती है कि इंटरेस्ट बढ़ेगा, या मान लीजिए मार्केट में मतलब थोड़ा सा फिक्सेबल ना रहे, थोड़ा इधर उधर हिले, तो फिर क्या होता है, फिर गोल्ड और सिल्वर में अचानक से ही देखिएगा प्राइस बढ़ने लगता है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के लोग एक मतलब सही इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं और फिक्स देखते हैं कि कम से कम इसमें नुकसान नहीं होगा। इस वजह से आपने देखा कि पिछले सप्ताह में लगभग जो मार्केट था बढ़ के ही क्लोज हुआ है, और काफ़ी अच्छा मार्केट में जिसको मुनाफा कमाना था कमाया है, खरीदना था खरीदा है, और आगे भी ये कीमतें मेरे को ख्याल से हमने पहले भी इस पर वीडियो बनाया है कि कितने तक जा सकती हैं प्राइस, क्योंकि गोल्ड का जो मार्केट है जितना वर्ल्ड में मार्केट अनसर्टेन रहेगा उतना ही इसका प्राइस बढ़ेगा और उतना ही इसमें चेंजेस आएगा और प्रॉफिट ही देके जाएगा। तो दोस्तों अगर आप गोल्ड एंड बुलियन से जुड़े काम करते हैं या मार्केट में रहते हैं तो आप भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं कि टिप्स के लिए कि कब आपको ख़रीदना है या कब आपको बेचना है या कब आपको मतलब जो चांसेस है वो बढ़ सकता है घट सकता है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग एनालिसिस करके चीज़ें लोगों के सामने शेयर करते हैं ताकि आपको बेनिफिट रहे और आप मार्केट में अच्छा मुनाफा बना पाएँ। और इसके साथ ही हम लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का भी काम करवाते हैं गोल्ड से जुड़े, और बुलियन का भी काम करवाते हैं। अगर कोई बुलियन का काम करना चाहता है, लाइसेंस बनवाना चाहता है, तो इन सब के ऊपर हमारा कोर्स भी आता है। आप लोग ऐसे कोर्स लेके आराम से देख के अपने आप को गोल्ड के बिजनेस के मार्केट में अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मृत्युंजय फिर आपको नेक्स्ट जो अपडेट आएगा गोल्ड का मंडे को तो उसको लेके आपके सामने आऊँगा इवनिंग के टाइम में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का।